स्वागत है आनी रेस्क्यू में। और आज हम लोग जिस पे रिएक्शन करने वाले हैं, ये एक मूवी ट्रेलर है। ये मूवी ट्रेलर इतना खास इसी वजह से है क्योंकि ये मूवी हमने बचपन में देखी थी। अब जाके उस मूवी का एक सीक्वेंस आया है जिसका नाम है भूल भुलैया 2। हम लोगों ने मतलब जब हम लोग छोटे थे तब हमने ये भूल भुलैया 1 देखी थी। ऑफकोर्स ही बात है कि अक्षय कुमार थे उसमें और वो मूवी बहुत ही अच्छी मूवी थी। लाइक हमारे लाइक आई वुड से कि हमारे उस टाइम पे ये जब मूवी आई थी तो यू नो हम लोग हमेशा हॉरर मूवीज को एक हॉरर मूवीज की तरह ही लेते, बट ये एक बहुत ही एक अलग कॉन्सेप्ट के साथ बनाया था। जैसे कि स्पेशली उस टाइम पे हम लोग साइकोलॉजिकली जो बीमारियां होती थी, साइकोलॉजिकली जिस भी इंसान को कोई प्रॉब्लम होती थी उसके रिगार्डिंग कोई बात नहीं करता था। आई नो वो मूवी का शायद कॉन्सेप्ट कुछ और था, लेकिन वो एक बहुत एक बड़े इशू के बारे में बात कर रहे थे जो कि था साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम्स। एंड वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो थी वो कैसे थी, किस वजह से थी, उसके पीछे का रीजन क्या था, क्या हुआ था जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई थी, उसके बेसिस पे ये मूवी भी बनी थी। एंड दैट वॉज रियली नाइस, बहुत ही अच्छी थी। आई थिंक मुझे जितना याद है कि उस टाइम पे ये बहुत ही एक सुपरहिट मूवी थी जिस टाइम पे ये आई थी। एंड इट वॉज अ वेरी नाइस वेरी अमेजिंग मूवी दैट टाइम। और अभी उसका एक सीक्वेंस आया है जो कि है भूल भुलैया 2। आई थिंक इसमें कार्तिक आर्या है और देखते हैं कि मूवी कैसी होने वाली। आई एम जस्ट होपिंग ये मूवी अच्छी हो। आई एम जस्ट थिंकिंग कि शायद अच्छी हो भी सकती है क्योंकि यू नो मैं नहीं चाहती कि क्योंकि हमने बचपन से ये वाली जो मूवी थी हमने बचपन से देखी थी। एंड आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू बी लाइक द स्टोरी। एंड इसी की वजह से एक पॉपुलर सा एक कुछ निकल के आया कि मांजलिका बन गई है, या फिर अगर किसी को कुछ होता था अजी क्या हो गया अभी मांजलिका बन के ये घूम रही है, तो एक जो मांजलिका गर्ल में जो एक टर्म निकल के आया वो इसी भूल भुलैया 1 की वजह से ही मांजलिका का टर्म निकल के आया था। सो इट वॉज अ वेरी नाइस एट दैट टाइम। अब लेट्स सी कि ये मूवी कैसे प्ले आउट करेगी और कैसी होने वाली है इसकी स्टोरी लाइनिंग। तो इसी के साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज गाइस लाइक करो, सब्सक्राइब करो और आप मुझे कमेंट सेक्शन पर लिख के जरूर बताओ कि आप लोगों को मेरा रिएक्शन कैसा लगा। तो इसी के साथ मूवी को स्टार्ट करते हैं। साल बाद इस दरवाजे ने फिर दस्तक दी है। इसके पीछे कोई साधारण आत्मा नहीं है, काला जादू करने वाली मांजलिका है। I can see the thing. बचपन से भूतों के बीच पला बड़ा हूं मैं। मां खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? देखो भविष्य से बात करो। आपके पीछे जो दो आत्माएं खड़ी है उनसे बात करो। ये पॉपुलर गाना था। मैं सिर्फ आत्माओं से बात नहीं करता, आत्माएं मेरे अंदर आ भी जाती हैं। ये तो हमारे से भी ज्यादा हरामी है। क्या अंतर्यामी है? ये हमसे भी बड़ा हरामी है। इससे तो अच्छा हो तो बिग बॉस में चलो जाओ, तो कम से कम भाव पे भेजती के पैसे तो मिले। कोई मांजलिका नहीं है, ये हवेली भूल भुलैया है। भूल भुलैया बहुत सी आत्माओं से बात की होगी तुमने, लेकिन मांजलिका सबसे अलग है। रोहन चीचा, जब से यहाँ आया हूँ मांजलिका मांजलिका सुने यारो कमी तू खेड़ी मंजो। तुम मांजलिका कैसे हो? डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट है और चुड़ैलों के फीट हमेशा उल्टे ही होते हैं। हम ठाकुर हैं और हम मुसीबत कभी भागते नहीं है। माँ तो अमृत रंधावा है,
मुसीबत आती ना निकल लेते। जो ट्रेलर है वो एंड हो चुकी है एंड मूवी का मुझे सबसे जो चीज सबसे ज्यादा जो अच्छी लगी है इट्स दैट द VFX जो VFX यूज करे है इसमें स्पेशली वो मुझे बहुत अच्छा लगा है। एंड मुझे दूसरी सबसे बड़ी चीज वो मुझे बहुत अच्छी लग रही है कि जो यूजुअली हम लोग जो देखते थे मूवीज जैसे स्पेसिफिकली कोई भी हॉरर मूवी हो या फिर कुछ तो मतलब एक अलग से दिखाते ना कुछ सामान ऐसे अलग से उड़ता हुआ दिखाएंगे जिसका कोई रेलेवेंसी नहीं रहता है लेकिन अलग से ही कुछ दिखाएंगे जो मतलब रियल भी नहीं लगेगा। तो वैसी चीजें जो थी मैंने अभी मैं नोटिस कर रही हूँ कि जितने भी हॉरर मूवीज आ रही है वो इस टाइप की नहीं होती है लाइक कुछ सामान उड़ता हुआ या फिर कुछ ऐसा कुछ नहीं है लाइक इट्स अ वेरी मतलब आपको देख के डर तो लगेगा लेकिन आपको देख के थोड़ी सी रियलिस्टिक वाली फीलिंग भी आती है। तो इट्स दैट इज आई थिंक मेरे को इस मूवी में स्पेशली मुझे ट्रेलर में बहुत अच्छा लगा था। अ पार्ट ऑफ दैट यहाँ पे जो हमारा जो एक लेजेंडरी एक कैरेक्टर है जो मंजुलिका का जो कैरेक्टर है वो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से इसमें प्ले करा है। आई डोंट नो इसमें एक्चुअली में इसमें किस टाइप की इन्होंने ये स्टोरी यूज करी है इसमें इसके पीछे का क्या रोल है क्योंकि भूल भुलैया 1 में जो था रोल और इसमें क्या रोल होने वाला है इट इज गोइंग टू बी टू वेरी डिफरेंट मे बी इट गोइंग टू वेरी डिफरेंट और या फिर कोई और ही कोई स्टोरी हो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्योंकि जितने भी बाकी जैसे कि अगर हम लोग किसी दूसरे रीजियंस में अगर हम लोग मूवीज को भी देखते हैं तो वहां पे भी मंजुलिका के स्टोरीज को उन्होंने यूज करा है बहुत सारी स्टोरीज में यूज करा है और किसी किसी में जैसे कि मंजुलिका के अलावा जैसे कि कुछ हॉरर स्टोरी बनाने की कोशिश करी है तो उसमें भी मतलब कि एक अलग ही स्टोरी दी है। जैसे कि आई स्टिल रिमेम्बर मैंने एक मूवी देखी थी इट वॉज अ साउथ मूवी अबाउट काशमोरा उसमें भी बहुत ही अच्छा था मतलब उसने बहुत ही अच्छी से एक स्टोरी प्ले करी थी अबाउट की पूर्व जन्म की स्टोरी की कैसे एक क्वीन थी और वो प्रिंसेस थी एक कमांडर था तो उसकी भी वो एक अलग ही स्टोरी है लेकिन वैसी पूरी एक अच्छी सी स्टोरी रिवॉल्विंग दिखाई है। आई एम जस्ट होपिंग कि शायद ये इस मूवी में भी शायद इसी टाइप का कुछ स्टोरी हो या फिर मंजुलिका की कोई अलग ही बैक स्टोरी बताई हो जो स्टोरी भूल भुलैया 1 में नहीं बताई होगी मे बी इट कुड वन ऑफ द रीजंस। पार्ट ऑफ दैट ट्रेलर लुक्स वेरी अमेजिंग एंड वी कैन जस्ट होप कि मूवी और भी अच्छी हो एंड इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर हम एंड करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा रिएक्शन अच्छा लगा प्लीज गाइस लाइक करो सब्सक्राइब करो और आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख के जरूर बताओ कि आप लोगों को मेरा रिएक्शन कैसा लगा।